जैसे ही आदमी ने जादुई औषधि पी, उसका शरीर असामान्य हो गया, मांसपेशियां बढ़ने लगी और सुनने की शक्ति भी बेहद संवेदनशील हो गई। पलक झपकते ही वह मांसपेशियों का धनी आदमी बन गया। जो बेंच प्रेस पहले नहीं उठा पाता था, अब एक हाथ से उठा सकता था। जब भाला फेंकने की बारी आई, उसने सोचा कि जीत पक्की है, लेकिन गलती से हवा छोड़ दी और आकाश में उड़ गया। इस प्राचीन ओलंपिक खेलों में सभी लोग मेहनत कर रहे थे और विशेष क्षमताएं दिखा रहे थे। अंत में विजेता को ग्रीक राजकुमारी से शादी का मौका मिलता। यह संदेश सुनकर सभी आदमी तेजी से वहां पहुंचने लगे। राजकुमारी का पहले से ही कोई था, वह ऊंची जाति का गांव वाला दाहो था। दाहो के प्रेम पत्र धारावाहिक उपन्यास जैसे थे, जिन्हें राजकुमारी महीने भर पढ़ती थी। रोम साम्राज्य के राजकुमार आयरन एग ने पहली बार राजकुमारी को देखा और उसे पसंद कर लिया। रोम की सेना के पास अधिक सैनिक और उम्दा साजो सामान होने के कारण उनकी हमला करने की कछुआ रचना कई देशों को डरा देती थी। राजकुमार को नाराज न करने के लिए राजकुमारी ने ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। जो भी विजेता बनेगा वह उससे शादी करेगी। ये सुनकर दाहो अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँच गया। उधर आयरन एग ने जादूगर मेडिटेरेनियन से हेरक्यूलिस पानी लिया और अपने पिता सीजर को तोहफा दिया की सत्ता हासिल कर सके, लेकिन सीजर ने उसे सावधानी से अपने पालतू चीते को खिला दिया, जिससे चीता बेहोश हो गया। खेल के दिन आयरन एग ने हरक्यूलिस पानी पी लिया, लेकिन भाला फेंकते समय उसने पात छोड़ दी और आसमान में उड़ गया। जादू पानी की ताकत से वह खुद को जेट विमान की तरह महसूस करने लगा। लॉ डिस्कस प्रतियोगिता में जादुई औषधि का सेवन करने से वह अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है। कहानी में लोहे के डिस्कस के विश्व रिकॉर्ड ने सबको चौंकाया। हरक्यूलिस ने एक प्रतिमा को तोड़कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे टूटी हुई हाथों वाली वीनस की मूर्ति अस्तित्व में आई। दोनों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें पहले और दूसरे स्थान पर रखा। दर्शकों ने तालियां बजाई, लेकिन आयरन एग ने विरोध किया कि उन्होंने जादुई औषधि का सेवन किया था। जजों ने जादुई कीट निकाले और परीक्षण किया। हालांकि जब बारी उन्हें जांचने की आई, तो कीट ने अजीब व्यवहार किया। जजों ने इनके परिणाम रद्द करने का निर्णय लिया। आगे की प्रतियोगिताओं में आयरन एग ने धोखाधड़ी से जीत हासिल की, क्योंकि उसने जजों को सोने के सिक्के देकर खरीद लिया था। इसके परिणाम स्वरूप अगले सभी मुकाबलों में, चाहे उसका तरीका अजीब हो, वह हमेशा विजेता बना रहा। शाओफेंग ने कभी औषधि नहीं पी थी, फिर भी पहली दौड़ में पहला स्थान पाया, जबकि वांग जेतियान दूसरे स्थान पर था। राजकुमार टाइडन मैदान में दौड़ते दौड़ते फिनिश लाइन तक पहुंच गया, जबकि शिहुआ थके होने का नाटक कर रहा था। जज ने इसे वैध करार दिया और इस तरह टाइडन ओलंपिक चैंपियन बन गया। दर्शकों ने असंतोष जताया, जिससे उसके पिता सीजर ने नतीजे रद्द कर दिए और अगले दिन घोड़ा गाड़ी रेस कराने की बात कही। इससे राजकुमार नाराज हुआ और उसने लाओबाई को जादुई औषधि बनाने पर मजबूर किया, लेकिन टाइडन नहीं जानता था कि वह जाल में फंस चुका है। इस दौड़ के विजेता को ग्रीक राजकुमारी से शादी का मौका मिलता था। दौड़ शुरू होने से पहले प्रतिभागियों ने तैयारी की और टाइडन ने छुपकर जादुई औषधि पी, लेकिन ज्यादा पीने से उसकी आंखों से प्रकाश और नाक से आग निकलने लगी। उसके शरीर में असीम ऊर्जा भर गई। कैसर पहले हाथ हिलाते ही रेसिंग कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। एथलीट्स तेजी से बाहर दौड़े, केवल बड़े सीने वाला थोड़ा धीमे थे और पीछे रह गए। शुरुआत में ही आयरन एग ने कड़ी चालें खेली और इजिप्ट टीम को मुश्किल में डाल दिया। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक गाड़ी खंभे से टकरा चुकी थी और इस तरह इजिप्ट टीम पहले ही बाहर हो गई। लेकिन आयरन एग ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने सीक्रेट टीम के पहिए में पहले ही चाल चल दी थी, जो कुछ ही दूर चलने के बाद पहिए बाहर गिर गए। ग्रीस टीम दूसरी थी, जो बाहर हो गई। दौड़ के दो चक्कर पूरे करने के बाद पहला स्थान पाने वाली टीम मेंटेनेंस के लिए रुकी, घोड़ी को पानी पिलाया और ठंडा किया। जब जर्मनी टीम वापस ट्रैक पर आई, तो उनके गाड़ी के पहियों को आयरन एग ने नुकसान पहुंचा दिया था। जर्मनी टीम बाहर हो गई। आयरन एग की धूर्तता से प्रिंसेस नाराज हो गई और उसने उस पर रूमाल फेंक दिया। रूमाल पहियों में फंस गया, जिससे उसका सिर ब्रेक बन गया। तभी बड़ा सीना आगे निकल गया। आयरन एग ने जादुई दवा निकाल कर घोड़ी को पिला दी, जिससे वह टर्बो चार्ज जैसी हो गई। आयरन एग ने जल्द ही महत्वपूर्ण बिंदु पार कर रेस जीत ली। तभी गोल टीम ने विरोध किया कि उसने जादुई दवा का उपयोग किया है। ये दवा उसके जादूगर ने जानबूझकर डाई मिलाकर बनाई थी। इसके बाद आयरन एग को अयोग्य घोषित कर दिया गया और गोल टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। अंततः फिल्म यही समाप्त होती है। मैं हूँ बड़ा पेड़ और मैं आपको विभिन्न जीवनों की सैर कराता हूँ।